So we are going to discuss about the chemical interactions in the living system. So हमारे पास दो तरीके की interactions होती हैं. एक होती है covalent interactions and another one is the non-covalent interactions. So non-covalent interactions और covalent interactions. Non-covalent interactions के अंदर we have the ionic bonds, hydrogen bonds, van der Waals forces and hydrophobic interaction. Whereas जो हमारे covalent bonds होते हैं, covalent bonds में आ जाते हैं, जो covalent bonds होते हैं वो strong bonds होते हैं, लेकिन जो non-covalent bonds होते हैं, non-covalent interactions होते हैं, वो weak interactions होती हैं. So covalent bond like the peptide bond is a kind of covalent bond. तो वो strong bonds होते हैं. सो कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग होती है ताकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वो जो एटम है वो अटेन कर सके. सो अगर शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की तो वहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर वी हैव द कार्बन और यहाँ पर अपने पास है हाइड्रोजन. सो कार्बन के पास कितने फोर इलेक्ट्रॉन्स हैं, देर आर फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, लाइक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इज एट, इसको एट पूरा करने के लिए इसको फोर इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए. एंड हाइड्रोजन को भी क्या चाहिए, अगर उसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, शेयरिंग करना पड़ेगा. सो वी हैव फोर हाइड्रोजन हियर. तो अब ये क्या करेगा, जो चारों हाइड्रोजन है वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन्स, सो अभी हम क्या करते हैं कि जो कार्बन है उसका रेड से बना देते हैं, वन टू थ्री एंड दिस इज़ फोर. तो ये कार्बन के हो गए, बाकी ये हाइड्रोजन ने एक दिया, इस हाइड्रोजन ने एक दिया, तो हर एक जो हाइड्रोजन है वो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और कार्बन का चार इलेक्ट्रॉन्स अपने पास है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो उनकी शेयरिंग हो गई. शेयरिंग से उनका दोनों का काम चल गया, कार्बन का भी काम चल गया, हाइड्रोजन का भी काम चल गया, दोनों ने क्या कर लिया, अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया. तो ऐसे बॉन्ड्स जहाँ पे कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो रही होती है टू अटेन द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, उनको हम कोवेलेंट बॉन्ड्स बोलते हैं. So a covalent bond forms as a result of equal sharing of electron pairs between the two atoms in order to achieve the stable or the inert gas configuration. Electron pairs that are shared between the two atoms is called the bonding pairs or the shared pairs, and electron pairs not shared between the two atoms are called the lone pairs. So ye jo electrons share ho rahe hain unko hum bonding इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं या शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. सो कोवेलेंट बॉन्ड्स भी ना आपके दो टाइप के होते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. सो व्हाट इज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड सजेस्ट इन द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड इक्वली बिटवीन द टू हाइड्रोजन न्यूक्लियाई. बोथ हाइड्रोजन atoms have the same electronegativity, that is the electronegativity difference between the two atoms is zero. So aise ko hum kya bolte hain, non polar covalent bonds bolte hain. Jaise ki hydrogen molecules dono H jo hai unke beech mein koi electronegativity difference nahi hai, unki electronegativity jo hai wo same hai. So polar covalent bond is formed when the atoms of the slightly different electronegativity share electron and the difference is between 0.5 and 1.9. So जो हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वहाँ पर जो एटम्स होते हैं उनके बीच में देर इज़ अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, उनका इक्वल नहीं होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल नहीं होती है उनकी. दो दो एटम्स की अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी एंड उनके बीच में एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा. सो पहले मैंने आपको बताया था नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि ऐसे एटम्स के बीच में बनता है, सेम एटम्स जिनके बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, या है भी तो वो 0.5 से कम है. जैसे कि हाइड्रोजन का हमने देखा था H2, वैसे ही यहाँ पर Cl2,
दोनों की जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है वो सेम है, देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रो नेगेटिविटी. देयरफॉर यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है उसको हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं. लेकिन अगर कोई बॉन्ड ऐसे एटम्स के बीच में बन रहा है जिनके इलेक्ट्रो नेगेटिविटी में डिफरेंस है 0.5 से 1.9 का डिफरेंस उनके बीच में है, जैसे कि HCl हो गया या HF हो गया या OH बॉन्ड इन वाटर हो गया, सो वहाँ पर हम क्या कहेंगे, जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज़ द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज़ द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, राइट. जैसे कि आप यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब है कि वो अपनी और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. सो यू कैन सी कि देयर इज़ अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन दीज एटम्स, देयरफॉर यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा उसे हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे. सो सिमिलरली इन द HF, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द टू एटम्स गेट डिस्प्लेस मोर टूवर्ड्स द फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, जिसकी वजह से फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. सो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रिफ्लेक्ट्स द डिग्री ऑफ पोलैरिटी, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा द ग्रेटर विल बी द चार्ज सेपरेशन एंड हेंस उनकी पोलैरिटी जो है कोवेलेंट बॉन्ड की वो भी ग्रेटर होगी. नाउ द नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस आर वीक इंटरैक्शंस. सो सबसे पहले अपने पास है आयोनिक बॉन्ड्स. आयोनिक बॉन्ड्स जो होते हैं वहाँ पर ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन्स का. कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर हमने देखा था कि देर वॉज शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस में आयोनिक बॉन्ड्स के अंदर ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन्स का. सो एन आयोनिक बॉन्ड फॉर्म्स ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द कटायन एंड द एनायन. An ionic bonds form when the electronegativity difference between the two atoms is large, like a metal and a non-metal. So, ionic bond के अंदर electrons का transfer होता है एक atom या एक molecule से दूसरे atom के ऊपर. So, यहाँ पर the atom which gains the electron gets the negative charge and उसको हम anion बोलते हैं, and the atom which loses is known as the cation. So the ionic bond gains the strength from the difference in the charge between the two atoms. यानी कि दोनों के बीच में there would be the difference of the charge. That is, greater the charge disparity, greater the charge difference between the cation and anion, उतना ही ज़्यादा strong bond बनेगा. For example, यहाँ पर एक metal है और एक non-metal है, sodium और क्लोरीन. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रॉन का. सो सोडियम से क्लोरीन में ट्रांसफ़र हुआ इलेक्ट्रॉन का, जिसकी वजह से क्या हुआ, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, एंड सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि उसने लूज़ करा इलेक्ट्रॉन. द सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड इज़ दी हाइड्रोजन बॉन्ड्स. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक तरीके की वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स है दैट एग्जिस्ट बिटवीन अ हाइड्रोजन एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड टू अ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. सो हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में कनेक्टेड होता है, जो कि फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है और नाइट्रोजन हो सकता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, दैट इज फोन. आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, टेलीफोन फोन, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो. सो एज अ रिजल्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो हाइड्रोजन है वो लिंक्ड हो जाता है टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में, one by the covalent bond and other by the hydrogen bond. So conditions क्या क्या चाहिए hydrogen bonding के लिए. Hydrogen atom must be linked to a highly electronegative atom. Size of electronegative atom must be small.
एंड स्मॉलर द साइज ऑफ द एटम ग्रेटर विल बी द पोलराइजेशन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन एटम दस ग्रेटर विल बी द एक्सटेंड ऑफ द डाइपोलर अट्रैक्शन NH bond is more polar than chlorine hydrogen as the size of chlorine is more. Therefore, वो bond क्या है? ज़्यादा NH जो है वो ज़्यादा polar है. So types of hydrogen bonding. सबसे पहले अपने पास है intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular. So हमारे पास दो type की forces होती है. Intramolecular and intermolecular. Intra means the forces that holds atoms together within a molecule. That is intramolecular. Inter means the attraction between two or more separate molecules. So for example, here you can see that within जो H है और Cl है, ठीक है, HCl है, उनके within जो यहाँ पर attraction है उसको हम बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर. मॉलिक्यूल के अंदर जो अट्रैक्शन है दैट इज इंट्रा मॉलिक्यूलर. दो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो अट्रैक्शन है दिस अट्रैक्शन इज नोन एज द इंटर मॉलिक्यूलर. दो मॉलिक्यूल्स के बीच की इंटरैक्शन को हम इंटर मॉलिक्यूलर बोलते हैं और मॉलिक्यूल के अंदर वाली इंटरैक्शन को हम इंट्रा मॉलिक्यूलर बोलते हैं. So intermolecular hydrogen bonding. Hydrogen atom and electronegative atom are present in the bonds belonging to the different molecules. दो molecules के बीच की जो attraction है उसको हम intermolecular hydrogen bonding बोलेंगे. For example, यहाँ पर HF है, ये एक HF हो गया, फिर ये अब इनके बीच में ये जो bonding है this is the intermolecular bonding. सिमिलरली अगर हम अमोनिया की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज 3 वाइल दैट ऑफ द हाइड्रोजन इज 2.1. देयरफॉर नाइट्रोजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है दैट इज पोलर एंड इट इज इन्वॉल्व इन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो ईच हाइड्रोजन एटम इज लिंक्ड टू वन नाइट्रोजन एटम बाय कोवलेंट बॉन्डिंग एंड टू अदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो वाटर में अगर हम बात करें जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं दैट आर हाईली पोलर एज ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है. सो डाइपोलर अट्रैक्शन रिजल्ट्स इन द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड दे गेट एसोसिएटेड विद ईच अदर. इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीन्स मॉलिक्यूल के अंदर वाली जो बॉन्डिंग है. हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर प्रेजेंट इन द बॉन्ड्स बिलोंगिंग टू द सेम मॉलिक्यूल. सो इंटरमोलिकुलर मीन्स बिटवीन द सेपरेट मॉलिक्यूल्स एंड इंट्रामोलिकुलर मीन्स विद इन दैट सिंगल मॉलिक्यूल. सो स्ट्रेंथ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड की वो सेवरल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डेड एटम्स, अलाइनमेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड एटम्स, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट. सो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन द हाइड्रोजन बॉन्डेड एटम आर इन अ स्ट्रेट लाइन दैट इज 180 डिग्री. सिमिलरली स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर मोर इन नॉन पोलर एनवायरनमेंट एज कम्पेयर टू द पोलर एनवायरनमेंट. क्योंकि जो नॉन पोलर एनवायरनमेंट होते हैं वहाँ पर दे लैक कंपीटिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर्स एंड द एक्सेप्टर्स. सो हियर यू कैन सी यहाँ पर आपका स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड हाई है क्योंकि ये लीनियर स्ट्रक्चर है और यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो लो है बिकॉज ये जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर नहीं है. सो इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. Water is liquid but H2S is gaseous at room temperature. That is because of the hydrogen bonding. Melting and boiling point. So it increases because extra energy is needed to overcome the attractive forces that arise due to the hydrogen bonding. So hydrogen bonding also influences the solubility of a solute in the solvent. So for example, alcohols jo hote hai, wo organic nature mein hote hai. And they are expected to be insoluble in water which is inorganic क्योंकि water क्या है inorganic है but alcohol जो है वो water में dissolve हो जाते हैं even at the room temperature. Why? This is because of the presence of the hydrogen bonding in their molecules. So energy जो release होती है that is as a result of the attraction. Since जो energy है system की वो decrease हो रही है therefore it favors the solubility. So hydrogen bonding
फेवर्स द सॉल्युबिलिटी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होता है, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी को भी अफेक्ट करती है, उनको बढ़ा देती है। देन वी हैव दी वैंडरवॉल फोर्सेस। वैंडरवॉल फोर्सेस आर वीक फोर्सेस, इंटर मोलिकुलर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस, एंड ये जो इंटरैक्शंस होती है दे इन्वॉल्व इधर परमानेंट और इंड्यूस्ड डाइपोल अगर इन ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स बोथ पोलर एंड नॉन पोलर, एंड ये जो इंटरैक्शंस होती है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं, रिपल्सिव भी हो सकती हैं। एंड देर आर थ्री काइंड ऑफ वैंडरवॉल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। सो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, ये जो फोर्सेस होती हैं दे अकर व्हेन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज्ड पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल इंटरैक्ट विद पार्शियली नेगेटिव चार्ज पार्ट ऑफ द नेबरिंग मॉलिक्यूल, एंड इन केस ऑफ द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड सच एज द HCl, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो दे अकर इन द पोलर मॉलिक्यूल्स। सो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, जिसको हम कैसम इंटरैक्शन भी बोलते हैं, ये जो इंटरैक्शन होती है वो दो परमानेंट डाइपोल्स के बीच में होती है, एंड ये जो इंटरैक्शन है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल्स। सो हियर यू कैन सी, यहाँ पर हमारे पास क्या है, परमानेंट डाइपोल्स हैं, दोनों परमानेंट डाइपोल्स हैं, एंड वहाँ पर जो इंटरैक्शन हो रही है दैट इज़ द डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, और ये दो परमानेंट डाइपोल्स के बीच में होती है, दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, एंड ऑल्सो ये जो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होती है दैट इज़ शॉर्ट रेंज। सो नेक्स्ट वी हैव दी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शंस, जिनको हम डीबाई इंटरैक्शंस बोलते हैं। ये जो इंटरैक्शंस है वो परमानेंट डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में होती है। इंड्यूस्ड मतलब अभी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है लेकिन उसके ऊपर चार्ज लाया जाएगा। सो इट अकर्स बिकॉज अ परमानेंट डाइपोल इंड्यूसेस अ ट्रांजिएंट डाइपोल इन अ नियर बाय मॉलिक्यूल बाय डिस्टॉर्टिंग इट्स इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, एंड ये अट्रैक्टिव नेचर की होती है। सो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शंस जो होते हैं एक तरीके की अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है, जो कि पोलर मॉलिक्यूल्स जिनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है और ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है जिनके पास परमानेंट डाइपोल नहीं होता है। मतलब कि मान लीजिए कि ये फर्स्ट मॉलिक्यूल था, ये सेकेंड मॉलिक्यूल था, इसके पास तो परमानेंट डाइपोल था लेकिन सेकेंड वाले के पास परमानेंट डाइपोल नहीं था। सो इंड्यूस डाइपोल मोमेंट जो है वो डिपेंड करता है अपॉन द डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट इन द परमानेंट डाइपोल एंड द पोलराइजेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल। सो अब ये क्या करेगा, ये इंड्यूस कर देगा इसके अंदर। सो देन वी हैव द इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, जिनको हम लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस भी बोलते हैं। ये एक्सट्रीमली वीक इंटरैक्शंस होती हैं एंड ये दो इंड्यूस्ड डाइपोल्स के बीच में होती हैं एंड दे आर अट्रैक्टिव इन नेचर, दे आर अट्रैक्टिव इन नेचर। सो लंडन फोर्सेस और द डिस्पर्जन फोर्सेस एंड दे आर एग्जिबिटेड बाई द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है ये। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है, शॉर्ट रेंज होती है एंड इट डिपेंड्स अपॉन द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल और मॉलिक्यूल। सो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस वीकेस्ट हैं एंड यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, द मोर इलेक्ट्रॉन द मॉलिक्यूल हैज़ द स्ट्रॉन्गर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रोमीन है, उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं क्लोरीन से, सो ब्रोमीन विल हैव स्ट्रॉन्गर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस रिजल्टिंग इन हाई बॉइलिंग पॉइंट 59 डिग्री सेल्सियस, वेर एज जो क्लोरीन है उसका -35 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है, दैट इज़ ड्यू टू द लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरैक्शन इज द हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। सो हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन भी एक तरीके की नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन जो है वो ऐसी फोर्सेस होती है दैट कॉजेज द नॉन पोलर सब्सटेंसेस टू क्लस्टर टुगेदर टू मिनिमाइज देयर कॉन्टैक्ट विद वाटर।
ऐसी फोर्सेस जिनकी वजह से जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं ताकि वो उनका जो कांटेक्ट है वाटर से वो मिनिमाइज हो सके. सो दे दिस इज द सेल्फ एसोसिएशन. देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ना वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ ही इंटरैक्ट करना चाहते हैं. सो यहाँ पर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे प्रेफर टू इंटरैक्ट विद ईच अदर रेदर देन विद द नॉन पोलर सब्सटेंसेस, राइट. सो इस वजह से क्या होता है, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस अराइज होती हैं. सो हियर यू कैन सी इन द डायग्राम कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक तरीके का केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं अराउंड द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. सो यहाँ पर वो क्या कर लेते हैं, व्हेन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंटर द एक्वस एनवायरनमेंट जो हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं दे फॉर्म अ केज लाइक स्ट्रक्चर अराउंड देम एंड बिकम मोर ऑर्डर्ड देन द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री इन द सॉल्यूशन. सो वो क्या हो जाते हैं, ज़्यादा ऑर्डर्ड हो जाते हैं. सो मोर वाटर मॉलिक्यूल्स ऑर्डर्ड लार्ज डिक्रीज इन द एंट्रोपी. एंट्रोपी में क्या हो जाता है, लार्ज डिक्रीज आ जाता है. सो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स ऑर्डर्ड इंक्रीज इन द एंट्रोपी. तो अब यहाँ पे जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में क्लंपिंग कर लेते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दी हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस, उनकी क्लंपिंग हो जाती है. सो द फोर्स दैट कॉजेज द नॉन पोलर सब्सटेंसेस टू क्लस्टर टुगेदर to minimize their contact with water is known as the hydrophobic interaction. So जो strength है hydrophobic interaction की वो depend करती है temperature के ऊपर. It decreases with decrease in the temperature, number of carbon in the non-polar molecules. जो hydrophobic interaction है वो increase होएगी with increase in the number of carbons and it also depends on the shape of the molecules. So aliphatic organic molecules have stronger interactions than the aromatic molecules. So this is all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.